गंज से खगड़िया के अगवानी तक बन रहे पुल के धराशायी होने के बाद भारत सरकार एक्शन में। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाए जा रहे बिहार के दो पुलों समेत छह पुलों पर जांच शुरू कर दी है। बिहार में 2,926 करोड़ की लागत से बन रहे जेपी सेतु स्थित फोरलेन पुल और 1,100 करोड़ की लागत से बनने वाले भागलपुर विक्रमशिला सेतु के समानांतर फोरलेन पुल की जाँच हुई। पुल निर्माण का ठेका एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है। भागलपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने यह बड़ी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर की जनता डरी हुई है क्योंकि एसपी सिंगला जब पुल बनाता है तो उड़ जाता है, लोग इस पर चढ़ने से कतराएंगे। नितिन गडकरी जी से मिलकर बात करेंगे कि विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल का रीटेंडर किया जाए और दूसरी कंपनी को ठेका मिले, साथ ही एसपी सिंगला को ब्लैकलिस्ट किया जाए। ये घटिया तरीके से पुल बनाती है कंपनी। तो अभी भारत सरकार ने एसपी सिंगला कंपनी की जितने पुल बन रहे हैं सब पर जांच बैठा दी है। अब आप लोग को ये खबर नहीं मिली होगी, लेकिन वो जांच की खबर जो है मेरे पास है 21 जून को, कहिएगा तो मैं चिट्ठी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। सारे डॉक्यूमेंट है हमारे पास जिसमें 6 पुल की जांच बैठाई, उसमें बिहार में एक, पंजाब में एक, हरियाणा में दो, पंजाब में, बिहार में दो।